आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। सो बेसिकली हमें पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो लोग हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एक सर्कल पे बैठे हैं और सेंटर को फेस कर रहे हैं। कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अपना एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं और इस पे हम 8 लोगों की पोजीशन ले लेते हैं। और ये सारे कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर की ओर। तो यानी ये सब सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट। ठीक है, सो 4 पोजीशंस कंसिडर कर ली। अब हमें इस सिटिंग प्लान के हिसाब से इन्हें यहाँ पर बिठाना है। सो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, दैट इज बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। ओके, तो बी जो है वो डी के सेकंड राइट पे है। तो हमें क्या करना है, कहीं पर भी डी कंसिडर कर लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पर डी ले लिया, ठीक है। अब इसके सेकंड राइट पे, तो सबसे पहले देखो ये इधर फेस करके बैठे हैं। दैट मीन्स अगर हम इधर फेस करके बैठे हैं तो हमारे, हम किस साइड से लिखेंगे? राइट हैंड से। तो राइट हमारा किस साइड है? इस साइड है। दैट मीन्स ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड, सेकंड राइट पे कौन बैठा है? बी बैठा है। तो यहाँ पर फॉर श्योर कौन होगा? बी होगा। ठीक है, इस सर्कल में कहीं पर भी हम डी को कंसिडर कर सकते हैं। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ, जो कि एफ के थर्ड राइट पे। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डी की बात हो रही है। डी हमारा एफ के थर्ड राइट पे। तो ये किसके राइट, यहाँ पर डी का, यहाँ पे जो पर्सन बैठेगा, फॉर एग्जाम्पल इस पोजिशन पे जो बैठेगा उसका ये राइट होगा। That means हमें यहाँ पर 3 पोजीशन पीछे कंसिडर करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पर कौन बैठेगा? एफ बैठेगा। तभी इसका थर्ड राइट कौन बन जाएगा? डी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राइट कौन बन गया? डी बन गया। ओके, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो एक सेकेंड होल्ड करते हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन है सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो सी जो है वो ए के सेकेंड लेफ्ट पे है। Who is second to the left of F? तो यानी A जो है F के second left पे है। Okay, तो यहाँ से हमने इस relation को पकड़ लिया कि हमें A जो है वो F के second left पे given है। F है हमारे पास, तो इसी के साथ हम relation बैठाएंगे। तो इसका left कहाँ होगा? इधर की side होगा। अगर ये इसका right है, ये इसका left है, तो first, second, तो यहाँ पर for sure कौन होगा? A होगा। ठीक है, अब A के साथ हमें C का relation given है, that is C second to the left of A। अब A के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है? C है। यानी कि अगर हमारा A यहाँ पर है तो A का ये राइट, ये लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है, राइट है। ये इधर सेंटर की ओर फेस करके बैठा है, तो इसका मतलब ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। तो फर्स्ट, सेकेंड लेफ्ट पे कौन है? C है। ठीक है, C इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A। C जो है A के सेकेंड लेफ्ट पे है। हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, जो कि खुद F के सेकेंड लेफ्ट पे है। G is third to the right of E. तो G कहाँ पर है? E के third right पे। ओके, अब E हमारा कहाँ होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन एक चीज मालूम है, G इसके third right पे होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे consideration लेकर चलना है। हम यहाँ पर position को consider करके चलेंगे। अगर E मान लो हमने यहाँ पर consider किया, ठीक है, तो ये इसका right है, तो इसके third right की position खाली नहीं है। That means E हमारा यहाँ नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर हमने यहाँ लिया तो यहाँ पर भी थर्ड राइट की पोजीशन खाली नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। तो ई फॉर श्योर यही होगा। और इसका थर्ड राइट इस साइड पड़ा, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो यानी यहाँ पर कौन आएगा? जी आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास कौन आ गया? जी आ गया। अगर यहाँ पर जी है, दैट मीन्स हमारा कौन सा मेंबर बच गया यहाँ से? एच बच गया। दैट मीन्स यहाँ पर फॉर श्योर कौन आएगा? एच आएगा। सो ये सिटिंग प्लान हमारा डन हो गया। अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। तो जी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जी को मार्क कर लो। अब जी इस साइड फेस करके बैठा है, हमें ये नोटिस करना है किस साइड फेस है। तो इस साइड फेस है, दैट मीन्स ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। करेक्ट है, ये साइड इसकी क्या हो गई? राइट। और ये इसका क्या हो गया? लेफ्ट। तो अब हमें सवाल में क्या पूछा गया कि इसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है? तो इसके लेफ्ट पे कौन है? एच है।
दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ओके, इट इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.